आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस सृष्टि में भगवान ने, माँ प्रकृति ने, ईश्वर ने इतनी अद्भुत शक्तियाँ दी है कि अगर हम उन शक्तियों को सही तरीके से समझ जाएं, प्रकृति के रहस्य को समझ जाएं, तो बड़ी आसानी से हम मन चाहे कार्य को कर सकते हैं। हर कार्य में सफलता, हर कार्य में सिद्धि। पंच महाभूत व्यक्ति का सबसे असली भगवान है, धरती माँ, वायु, जल। इसके बिना ना तो जिंदगी चल सकती है, ना तो रह सकती है। वायु तत्व अर्थात हवा। अगर मैं कह लूं कि आपको बिना ऑक्सीजन के रहना है, तो आप कितने मिनट या फिर कितने सेकंड तक रह सकते? कोई भी इंसान या प्राणी ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट, या फिर कोई सिद्ध भी है तो 10 से 15 मिनट तक ही अपने श्वास को रोक सकता है, उसके बाद उसका मरना सुनिश्चित है। तो इसका मतलब यह है मित्रों कि भगवान ने जो सृष्टि में चीजें दी है, मां प्रकृति ने दिया है, उसका पहले धन्यवाद करें। यह अद्भुत चीजें हमें फ्री में मिला हुआ है, लेकिन इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। अब इसी वायु तत्व का प्रयोग करके आपको अपने मन चाहे कार्य को करना है। तो यहां पे मैं आपको सिर्फ वशीकरण के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अचूक और अद्वितीय रूप से सामने वाले व्यक्ति को अपने वशीभूत कर सकते हैं। लेकिन इसका गलत प्रयोग ना करें, अपना जब जरूरी हो तभी करें। करना क्या है? वायु तत्व। वायु तत्व में एक अदृश्य शक्ति विलीन होती है। आप इसे समझ नहीं पाएंगे, बस इस तरह से समझे जिस प्रकार पृथ्वी में ही, इसी पृथ्वी में भगवान राम, कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, कोई भी चीजों को ले लो या फिर कोई भी देवी देवता को ले लो, वह सब इसी पृथ्वी में आए थे जब देह त्याग हुए हैं। अर्थात अगर उदाहरण के रूप में देखो तो भगवान श्री कृष्ण को जब देह त्याग करने के बाद जलाया गया है, तो वो विलीन कहां पे हुआ है? यही तो है ना, हवा में। हवा में ही आया था और हवा में ही चला गया। अर्थात वो श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो या फिर हनुमान जी हो या फिर कोई भी भगवान हो, सभी हवा में। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवी में है, लेकिन फिर भी वह यही है, हवा में ही विलीन है। भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर चुके हैं, फिर भी वो यही है, हवा में ही विलीन है, वर्तमान में भी है, यह सुनिश्चित है। तो आपको क्या करना है? भगवान को सच्चे दिल से याद करना है, और जिस स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर रहे हैं उसे देखते हुए बस सच्चे दिल से इस बीज मंत्र को बोलना है। इस मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है कि जिस भी देवता को, आपके जो इष्ट हैं, बस उसको याद करते हुए इस मंत्र को बोलेंगे तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वशीभूत हो जाएगा। यहां तक इतनी ज्यादा शक्ति है कि वह व्यक्ति खुद आपके पास आकर बात पहले से करेगा, आपके काम की बात को भी मानेगा। तो मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आजमाया हुआ प्रयोग। अगर समस्या हो तो नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।